स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल एग्जाम वॉरियर्स पे। आज हम पढ़ने वाले हैं ओल्ड करंट अफेयर से जुड़े 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके आने वाले एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे। तो इन सभी क्वेश्चन को आपको नोट जरूर कर लेना है, साथ ही आज के वीडियो में जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट बताए जाए उनको भी आपको याद जरूर रखना है। साथ ही आपसे एक क्वेश्चन भी पूछा जाएगा जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार द्वारा हुक्का बार पर रोक लगाई गई है? तो आपको याद रखना है, हाल ही में झारखंड राज्य सरकार ने हुक्का बार पर रोक लगाई है, इम्पोर्टेंट और आपको याद रखना है। साथ ही हम बात करें झारखंड राज्य की, तो आप याद रखिएगा इसकी राजधानी है रांची। वर्तमान में यहाँ पर मुख्यमंत्री हैं हेमंत सोरेन और राज्यपाल है द्रौपदी मुर्मू, इम्पोर्टेंट फैक्टर आपको याद रखना है। साथ ही मैंने आपको कई बार बताया है कि 15 नवंबर सन 2000 को झारखंड राज्य भारत का 28वां राज्य बना था, इम्पोर्टेंट और आप याद रखिएगा। इसके अलावा एक और करंट अफेयर का फैक्ट आप याद रखिए कि आवास एवं शहरी मामलों के मंत्रालय द्वारा जारी रैंकिंग में झारखंड राज्य शीर्ष पर रहा है, इम्पोर्टेंट फैक्टर आपको ये भी याद रखना है। आज का हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है, किस देश के पूर्व प्रधानमंत्री मौजूद अहमद का निधन हुआ है? तो आपको याद रखना है कि बांग्लादेश के पूर्व प्रधानमंत्री रहे मौजूद अहमद का हाल ही में निधन हो गया है। वही अगर हम बात करें तो बांग्लादेश के वर्तमान में प्रधानमंत्री है शेख हसीना, बांग्लादेश की राजधानी है ढाका और यहाँ की मुद्रा है टका, ये भी इम्पोर्टेंट फैक्ट आपको याद रखने हैं। साथ ही आप एक और इम्पोर्टेंट फैक्ट याद रखिएगा कि बांग्लादेश ने 26 मार्च सन 2021 यानी कि इस वर्ष 26 मार्च को अपना 50वां स्वतंत्रता दिवस मनाया है, क्योंकि 26 मार्च 1971 को बांग्लादेश को पाकिस्तान से आज़ादी मिली थी, तो इसीलिए 26 मार्च को बांग्लादेश अपना स्वतंत्रता दिवस मनाता है। और इस वर्ष के समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को मुख्य अतिथि के रूप में बुलाया गया था, इम्पोर्टेंट और आपको याद रखना है। और इस दिन से जुड़े आपको दो और इम्पोर्टेंट फैक्ट याद रखने हैं कि जब ये समारोह हुआ तब एक तो बापू बंगबंधु संग्रहालय की स्थापना हुई थी ढाका में और दूसरा मिताली एक्सप्रेस चलाने की घोषणा की गई थी बांग्लादेश के ढाका से भारत के पश्चिम बंगाल के न्यू जलपाईगुड़ी तक। ये दो इम्पोर्टेंट फैक्ट आपको याद रखने हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। आज का हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है, अर्जुन सहायक परियोजना किस राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई है? तो आपको याद रखना है उत्तर प्रदेश राज्य ने अर्जुन सहायक परियोजना शुरू की है, इम्पोर्टेंट और आपको याद रखना है। बात करें उत्तर प्रदेश की तो उत्तर प्रदेश राज्य की राजधानी है लखनऊ जो कि गोमती नदी के किनारे पर स्थित है। इसके मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ और राज्यपाल है आनंदीबेन पटेल। उत्तर प्रदेश राज्य जनसंख्या के आधार पर देश का सबसे बड़ा राज्य है। उत्तर प्रदेश में दुधवा नेशनल पार्क भी स्थित है, आपको याद रखना है, इम्पोर्टेंट है। साथ ही आप याद रखिएगा कि नरोरा परमाणु संयंत्र भी उत्तर प्रदेश में है। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया था कि नरोरा परमाणु संयंत्र उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित है। अब आज का आपके लिए क्वेश्चन है, जो क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया था कि तारापुरा परमाणु संयंत्र किस राज्य में स्थित है, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है कि जो तारापुर परमाणु संयंत्र है ये किस राज्य में स्थित है। साथ ही आप एक करंट अफेयर का फैक्ट भी याद रखिएगा, जो क्वेश्चन एग्जाम में ज़रूर पूछा जाएगा कि 2021 में गणतंत्र दिवस के अवसर पर उत्तर प्रदेश की झांकी को पहला स्थान प्राप्त हुआ है, ये इम्पोर्टेंट फैक्ट भी आपको याद रखना है। आज का हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है, मार्क रूटे किस देश के चौथी बार प्रधानमंत्री बने हैं? तो आप याद रखिएगा यूरोप महाद्वीप में एक देश जिसका नाम है नीदरलैंड और इसी के चौथी बार प्रधानमंत्री मार्क रूटे बने हैं। नीदरलैंड से जुड़े आपको दो और इम्पोर्टेंट फैक्ट याद रखने हैं, इसकी मुद्रा है यूरो और इसकी राजधानी है एम्स्टर्डम। ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि एम्स्टर्डम किस देश की राजधानी है, तो नीदरलैंड की राजधानी है, इम्पोर्टेंट और आपको ये भी याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 5 है, मेरा मास्क मेरी सुरक्षा योजना किस राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई है? तो हाल ही में मध्य प्रदेश राज्य सरकार ने दो योजनाएं शुरू की थी, एक था मेरा मास्क मेरी सुरक्षा योजना और दूसरा था संकल्प अभियान। ये दोनों ही कोरोना वायरस से जागरूकता फैलाने के लिए थी और इन दोनों को ही मध्य प्रदेश राज्य सरकार ने ही शुरू किया था। साथ ही आप याद रखिएगा मध्य प्रदेश राज्य से जुड़े इम्पोर्टेंट फैक्ट, मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल है जिसे बसाया था राजा भोज ने। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया था, 11वीं शताब्दी में परमार वंश के राजा राजा भोज ने भोपाल नगर बसाया था,
साथ ही आप याद रखिएगा, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं शिवराज सिंह चौहान और राज्यपाल है आनंदीबेन पटेल। साथ ही कुछ और इम्पोर्टेंट फैक्ट आपको याद रखने हैं कि देश में सबसे अधिक वन क्षेत्र वाला राज्य मध्य प्रदेश है, इसी के साथ सबसे अधिक राष्ट्रीय उद्यान भी मध्य प्रदेश में है और सबसे अधिक बाघ भी मध्य प्रदेश राज्य में पाए जाते हैं। इम्पोर्टेंट फैक्टर आपको याद रखने हैं। साथ ही आप एक और इम्पोर्टेंट फैक्ट याद रखिएगा कि जनवरी के महीने में जलाभिषेकम अभियान मध्य प्रदेश राज्य में शुरू किया गया था। ये सब इम्पोर्टेंट फैक्ट आपको याद रखने हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, भारत ने किस देश में आयोजित नौरोज उत्सव में भाग लिया है? तो आप याद रखिएगा, चीन में नौरोज उत्सव मनाया गया था और भारत ने भी इसमें भाग लिया है। इम्पोर्टेंट और आपको याद रखना है। साथ ही आप याद रखिएगा कि चीन व्यापार में भारत का शीर्ष भागीदार बना है। अगर क्वेश्चन एग्जाम में आ जाए कि व्यापार में भारत का शीर्ष भागीदार कौन सा देश बना है, तो चीन बना है। इम्पोर्टेंट और आपको याद रखना है। साथ ही अगर हम बात करें तो हाल ही में एक रिपोर्ट जारी की गई थी सबसे ताकतवर सेना वाले देशों की, इस लिस्ट में चीन शीर्ष पर रहा है और हमारा देश भारत चौथे स्थान पर है। इम्पोर्टेंट और आपको याद रखना है। आज का हमारा क्वेश्चन नंबर 7 है, किस राज्य सरकार ने 100 नर्सरी खेल अकादमी स्थापित करने की घोषणा की है? तो राजस्थान राज्य सरकार ने 100 नर्सरी खेल अकादमी स्थापित करने की घोषणा की है। बात करें राजस्थान राज्य की तो इसकी राजधानी है जयपुर, वर्तमान में यहाँ पर मुख्यमंत्री हैं अशोक गहलोत और राज्यपाल है कलराज मिश्र। साथ ही आप ध्यान रखिएगा कि भारत का क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ा राज्य राजस्थान है। एक और करंट अफेयर का फैक्ट याद रखिएगा कि राजस्थान राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री रहे जगन्नाथ पहाड़िया का हाल ही में निधन हो गया है। ये क्वेश्चन करंट अफेयर से जुड़ा है और आपको याद रखना है। आज का हमारा क्वेश्चन नंबर 8 है, माई एक्सपेरिमेंट विद साइलेंस ये जो पुस्तक है किनके द्वारा लिखी गई है? तो भारतीय है समीर सोनी और इन्हीं के द्वारा एक पुस्तक लिखी गई है जिसका नाम है माई एक्सपेरिमेंट विद साइलेंस। साथ ही आप एक ऐतिहासिक पुस्तक का नाम भी याद रखिएगा जिसका नाम है सोजे वतन। सोजे वतन ये भारत के एक प्रसिद्ध और एक महान लेखक हुए थे मुंशी प्रेमचंद जी, इनकी पुस्तक है। और ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि सोजे वतन किनके द्वारा लिखी गई पुस्तक है? तो प्रेमचंद जी के द्वारा लिखी गई पुस्तक है। आज का हमारा क्वेश्चन नंबर 9 है, वन धन विकास योजना के लिए मॉडल राज्य कौन बना है? तो मणिपुर राज्य वन धन विकास योजना के लिए पूरे देश में मॉडल राज्य बना है। बात करें मणिपुर की तो मणिपुर की राजधानी है इम्फाल। मणिपुर के वर्तमान में मुख्यमंत्री है एन बीरेन सिंह और राज्यपाल है नजमा हेपतुल्ला। साथ ही आपको एक सबसे इम्पोर्टेंट फैक्ट याद रखना है कि एम पेंशन ऐप मणिपुर में लॉन्च किया गया है। ये क्वेश्चन एग्जाम में ज़रूर पूछा जाएगा और आपको याद रखना है। आज का हमारा अंतिम और क्वेश्चन नंबर 10 है, ISSF शूटिंग विश्व कप 2021 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो ISSF शूटिंग विश्व कप 2021 का आयोजन दिल्ली में किया गया है। साथ ही आप याद रखिएगा कि 51वें भारतीय हस्तशिल्प मेले का उद्घाटन भी दिल्ली में हुआ है। ये दोनों ही इम्पोर्टेंट फैक्ट आपको याद रखने हैं। तो ये हैं आज के वीडियो से जुड़े 10 करंट अफेयर के, ओल्ड करंट अफेयर के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो आपके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेंगे, तो इनको आपको इस बार नोट ज़रूर कर लेना है। अगर आपने इन्हें पहले नोट नहीं किए हैं तो जो भी ओल्ड करंट अफेयर के क्वेश्चन इन वीडियो में बताए जाए उनको आपको नोट ज़रूर कर लेना है। साथ ही आज के वीडियो में जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं उनको भी आपको याद ज़रूर करना है। तो अगर आज का वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। साथ ही वे सभी जो आज चैनल पर नए हैं उन्हें वीडियो अच्छा लगे, उपयोगी लगे तो चैनल सब्सक्राइब करना न भूलें। साथ ही बेल आइकन ज़रूर दबाएं जिससे कि आने वाले वीडियो की तुरंत जानकारी आपको मिल सके। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।